नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए बताने जा रही हूँ घर में खाना बनाते वक्त और घर के दूसरे काम करते समय त्वचा कटना जलना जैसी आम समस्या अक्सर ग्रहणियों के सामने आती है। त्वचा का आके संपर्क में आ जाना, गर्म चाय या तेल का गिर जाना कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनके कारण स्किन बर्न की समस्या अधिक होती है। इसके अलावा चोट लगने से शरीर पर घाव हो जाता है जिसके ठीक होने के बाद उसके दाग रह जाते हैं। कुछ लोग चोट के निशान हटाने की क्रीम भी प्रयोग करते हैं, पर हम आज आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिनको आजमा करके आप अपने इन निशान से मुक्ति पा सकते हैं। चोट, जलने के निशान, दाग अगर चेहरे पर हो जाए तो सुंदर चेहरे भी खराब दिखने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जलने, कटने और चोट लगने पर तुरंत इसका इलाज किया जाए ताकि घाव को बढ़ने से रोका जाए और इसके ठीक होने पर निशान भी जल्दी खत्म हो जाए। त्वचा जलने और निशान पड़ने के कारण, आग लगने से, करंट लगने से, धूप की तेज रोशनी से, गर्म तेल के छींटे गिरने से, चाय या गर्म पानी से, वैक्स से भी स्किन बर्न प्रॉब्लम होती है। जाने कैसे आप इनका इलाज कर पाएंगे? जलने के बाद क्या करें? जलने के तुरंत बाद ठंडा पानी जली हुई त्वचा पर डालें और ठंडे पानी में एक कपड़ा भिगोकर उस जली हुई त्वचा पर रखें। आलू काट करके उसका एक टुकड़ा जलने वाली त्वचा पर रख दें। त्वचा को काफ़ी राहत प्राप्त होगी। आलू के इस्तेमाल से जलन कम होने लगती है और स्किन बर्न से आराम मिलने लगता है। जलने के फौरन बाद इस उपाय को करने से त्वचा पर फफोले भी नहीं बनते। जलन के दर्द से जल्दी आराम पाने के लिए 10 मिनट के लिए जली हुई त्वचा पर दूध में डूबा रोई का खोआ आप रख सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको राहत प्राप्त होगी। जली हुई स्किन के ऊपर आप टूथपेस्ट भी लगाएंगे तो आपको जलन कम होगी और इसे जल्दी ही आपको इसे राहत प्राप्त होगी। प्यारे दोस्तों, अगर जलन ज़्यादा हो रही है तो आप लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आप लस्सी में रुई को फो को भिगो करके त्वचा पर लगाएं और इसे कुछ देर के लिए ऐसा छोड़ दें। ऐसा करने से आपको इसमें काफ़ी राहत मिलेगी। जलने के निशान हटाने के उपाय और घरेलू नुस्खे। जलने के निशान को कैसे हटाएं जानने से पहले जानना जरूरी है कि त्वचा जलने के बाद जलन को कैसे कम करें। स्किन चाहे आग से जले या फिर कोई और वजह हो, घरेलू नुस्खे अपना कर जलन कम करने के उपाय कर सकते हैं और घाव ठीक होने के बाद निशान से छुटकारा भी पा सकते हैं। भाप, गर्म पानी या चाय से जलने पर हुए घाव पर नींबू का रस और नारियल का तेल प्रयोग करने से जल्दी फायदा मिलता है। नींबू का रस और नारियल का तेल मिलाकर जले हुए पर लगाएं। नारियल तेल स्किन इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है और नींबू रस घाव के निशान मिटाने में फायदा करता है। एलोवेरा में जलन कम करने और निशान हटाने के गुण होते हैं। एलोवेरा के पत्ते को काट करके इसे जले हुए हिस्से पर लगाने से दर्द में आराम मिलता है और साथ ही इससे जलन के दाग भी साफ होते हैं। आप चाहे तो एलोवेरा पत्ते की जगह एलोवेरा क्रीम का भी प्रयोग कर सकते हैं। केले का छिलका जली हुई स्किन पर रगड़ने से जलन का निशान नहीं बनता और इस उपाय को करने से जलन भी जल्दी शांत होती है। कई बार गर्म गर्म चाय, दूध या सूप पीने से मुंह जल जाता है जिससे मुंह में छाले निकल आते हैं। इसके इलाज के लिए बर्फ का टुकड़ा लें और चूसे बर्फ को धोकर इस्तेमाल करें ताकि ये जीभ पर ना चिपके। प्याज में सल्फर अधिक मात्रा में होता तो जले हुए को ठीक करने में फोड़े फुंसी छाले होने से ये रोकता है। इसे जलने का दर्द भी कम होता है। प्याज को काट करके इसका रस लगाएं आप अपनी जली हुई त्वचा पर तो आपको राहत मिलेगी। दूध में प्रोटीन और वसा होती है जो जलने के उपचार में काफ़ी फायदेमंद है। हल्दी और दूध का पेस्ट बनाकर जलने वाली जगह पर लगाने से राहत मिलती है। इस होम रेमेडी से जलने का निशान भी नहीं रहता। त्वचा के जलने का उपचार बेकिंग सोडे से भी कर सकते हैं। जले पर इसका प्रयोग करने पर जलने के बाद फोड़ा नहीं निकलता, जलने का दर्द कम होता है और जलने का निशान भी साफ होता है। थोड़ा सा पानी सिरके में मिला लें और एक कपड़ा इसमें डालकर भिगो लें और इस कपड़े को जली हुई जगह पर रखें। इस घरेलू इलाज को 5 से 6 बार करने पर काफ़ी आराम मिलता है। शहद के प्रयोग से भी जले का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये एक तरह से आयुर्वेदिक दवा है। जले हुए पर शहद का लेप लगाने से काफ़ी राहत मिलती है। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।